बिल्कुल हम लोग हिंदू नहीं है। हम लोग अगर हम लोग का अगर हमारा पिताजी भी अगर गुजर जाता है तो हम लोग बामुन नहीं बुलाते हैं, हम लोग खुद अपना हम लोग का पाहन होते हैं, हम लोग पाहन हम लोग को करते हैं, हम लोग पंडित नहीं बुलाते हैं। अगर हम शादी कर लेते हैं तो हम शादी में भी हम लोग पंडित को नहीं बुलाते हैं, हिंदू लोग पंडित बुलाते हैं, हम लोग पंडित नहीं बुलाते हैं, खुद हम लोग का पाहन करते हैं, हम लोग कैसे हिंदू हुआ। स्वागत है आपका जनहित आवाज में, मैं हूँ आपके साथ पूजा। और आज यहाँ जंतर मंतर पर आदिवासी पिछड़े समाज का बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्या कुछ मुद्दे हैं उन्हीं पर इन्हीं लोगों से चर्चा करेंगे और कहाँ से ये लोग आए हैं वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले सर अपना नाम बताइए, कहाँ से आए? मेरा नाम संगम उराव, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम लोग विभिन्न राज्य से आए हैं, हम झारखंड से आए हैं, बंगाल से आए हैं, असम से आए हैं, यूपी से आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, गुजरात से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं। जो हमारी धार्मिक पहचान थी 1871 से लेकर 1951 तक, उसको हटा दिया जाता है। सबका कोलम रहता है, देखे होंगे हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, जैन का, बुद्धिज्म का, आदिवासी भी अलग धर्म कोलम था, उसको हटा दिया गया 1961 में। हमारी मांग है कि हम लोग एक कोलम मिलना चाहिए। पिछले बार जब जनगणना हुआ था 2011 में तो 49,88,134 लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने लिखा था कि सनातन धर्म को मानते हैं अधर्म में, और मात्र 42,000 ने अधर्म में लिखा था। तो हमारी जो मांग है, जब जैन को मिल सकता है, बुद्धिज्म को मिलता है, तो सरना आदिवासी को क्यों नहीं मिल सकता है? उसको भी सरना का एक कोलम मिलना चाहिए ताकि लोग पहचान रहे। नहीं तो बोल दिया जाता है ये लोग हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये लोग ईसाई हैं, तो वो परसेप्शन ना रहे। हम लोग प्रकृति पूजक हैं, सरना आपको हिंदू बनाया जा रहा है, मतलब बताया जा रहा है। जैसे आज़ादी से पहले देखिएगा, जो हम लोग का जनगणना अलग में था, फिर हिंदू में जोड़ दिया गया, आपको धर्म तरह की ईसाई बन जा रहा है, तो एक धार्मिक पहचान नहीं होने के कारण दिशा से लोग भटक जा रहे हैं। अब दिशा से अगर हम लोग पहचान मिलती है तो धर्मांतरण कम होगा, लोग एकजुटता होगा, यूनिटी आएगी। सब जगह का आदिवासी कल्चर कस्टम देखिएगा, कहीं मूर्ति का पूजा नहीं किया जाता, हर जगह प्रकृति से जुड़ा हुआ है आदिवासी। जल जंगल, जब आदिवासी का नाम आता है, जल जंगल जमीन का नाम आता है, आप देखते होंगे पूरे भारतवर्ष में, चाहे विदेश में भी, जहाँ भी आदिवासी रहते हैं। तो हमारा जो पहचान है वो दिया जाए, केंद्र सरकार से वही मांगे। राज्य सरकार ने 2020 में 11 नंबर को पारित करके झारखंड सरकार ने भेज दिया था, बंगाल की सरकार ने ममता बनर्जी ने भेज दिया है। तो सरकार देखिए, अब तो बोलिए कि राष्ट्रपति भी आदिवासी है, केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है, लेकिन अगर राष्ट्रपति आदिवासी, आदिवासी को दुख दर्द को समझते हैं, वो भी सरना आदिवासी है, तो हम कहेंगे कि हम लोग को सरना कोड देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दीपक लकड़ा। कहाँ से आए हैं? मैं बंगाल से आया हूँ। बंगाल से आए हैं। अच्छा, अभी इन्होंने कहा कि हमें अलग कॉलम चाहिए, उस कॉलम से फायदा क्या होगा? कॉलम से देख, अगर कॉलम तो सबका पास है ना, मगर हम लोग का आदिवासी के ऊपर कॉलम दिया नहीं हुआ है, तो जिसका जिसका कलम दिया हुआ उसको उसका फायदा क्यों हो रहा है? हम लोग का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, हम लोग को अलग से अपना धर्म कोड चाहिए, हम लोग को सरना धर्म कोड चाहिए। आप देखिएगा 2011 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से स्टेटमेंट भी आया था, वहाँ पर साफ साफ वहाँ पर लिखे कहा गया था कि आदिवासी लोग भारत की मूल निवासी है, और वो लोग का धर्म कुछ अलग है, और बाकी सब जब बाहर से आया है वो लोग बसा है, तो उसका रीति रिवाज देखकर हम लोग हिंदू को मानते थे, मगर हम लोग का जो पूर्वज थे वो लोग हिंदू को नहीं मानते थे। हम लोग प्राकृतिक पूजा है, हम लोग गाछ पला, नदी नाला, जल नगर, चांद सूरज, इसको पूजा करता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर भारत का संविधान सबके लिए बराबर है, हम लोग भी भारत का मूल निवासी है, नागरिक है, तो अगर बाकी को मिल रहा है तो हम लोग को कहीं नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को आदिवासी धर्म सरना कोड हम लोग को चाहिए, इसलिए हम लोग आज के उनका तो शुरू से था ना, जैन बौद्ध इनका अलग से था, मतलब जैनियों का हो, क्रिश्चियन का हो, उनका तो है ही अलग से, तो हम लोग का भी तो अलग ही था पहले। अब डिमांड और मांग कर रहे हैं 1871 से लेकर पहले हम लोग को अलग कॉलम दिया हुआ था, बाद में आस्ते आस्ते हम लोग को हटा दिया गया है, तो हम लोग चाहता है हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग को भी हटाया जा रहा था। तब आप कहाँ थे, मुख्य धारा में नहीं थे क्या? नहीं, हटाया दिया इसलिए तो हम लोग आया, अगर वो लोग नहीं हटाता तो हम लोग कहे आवाज उठाता? हम लोग इसलिए आवाज उठा रहे हैं, हम लोग को भी अलग कॉलम चाहिए, पहले जब दिया था ना तो अभी हम लोग को चाहिए, क्यों हटाएगा? हम लोग भी तो ये देश का नागरिक है, संवैधानिक अधिकार हम लोग के भी है, तो कहे हटाएगा हम लोग को? आपको हिंदू कैटेगरी दी जा रही, भाई आपको हिंदू बनाया जा रहा, तो आपको पसंद नहीं आ रहा है, नहीं चाहिए? देखिए, हम लोग तो जन्म से हिंदू नहीं है, तो हम लोग को कैसे पसंद आएगा? हम लोग सभी धर्म को आदर करते हैं, इज्जत करते हैं, किसी का धर्म का अपमान नहीं करेगा, मगर हम लोग को अपना अपना धर्म कोड जो है हम लोग को चाहिए। आपको मूल निवासी बोला जाता है, ठीक है, आदिवासी मूल निवासी, लेकिन आपको जो है लगातार हिंदू बनाया जा रहा है, क्या
ऐसा हो रहा है क्या वाकई में हिंदू ऐसे हो रहा है? हम लोग सरकार तो बोल रही है हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाइए, बिल्कुल बनाइए, आप लोग का जो धर्म है आप बनाइए, हम उससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं है, मगर हम लोग का जो अधिकार है, हम लोग को तो धर्म अलग से चाहिए ना। अभी हम लोग का भारत देश में जाति भेद लेके बहुत चर्चा चल रहा है, मगर सबका अलग अलग कोर्ट है, अलग अलग जाति लेके सब कुछ पॉलिटिक्स हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हम लोग का उससे कोई मतलब नहीं है। कोड आपका जब आप लेना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, तो उसमें आप धर्म क्या रखेंगे फिर? सरना धर्म है, सरना का मतलब है प्राकृतिक पूजा, जो प्राकृतिक को मानते हैं उसको हम सरना बोलते हैं। जैसे हम लोग पहले जब आदर से जब किसी बड़े आदमी से भेंट होता है, हम लोग जोहार बोलते हैं, उसको पांच रुपए प्रणाम जनाते हैं, उसका मतलब है प्राकृतिक पूजक, माने हम लोग प्राकृतिक को सम्मान करते हैं, बड़े आदमी को सम्मान करते हैं। मेरे को लगता है कि शायद बड़े बड़े तादाद में है क्या आदिवासी लोग? आदिवासी लोग बहुत ही पूरा भारत देश का मूल निवासी है, हर राज्य में, हर गांव में, हर कोने कोने में, बोला तो 49 लाख से ऊपर है हम लोग का जनगणना 2011 का हिसाब देखा जाए, और अभी देखा जाएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुक्रा उरा हुआ। कहाँ से? हम राष्ट्रीय आदिवासी रांची जिला के प्रवक्ता हैं, झारखंड से आए हैं। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि आप भाई हिंदू बोला जा रहा है, मगर जो देश के राजा हैं, जिन्हें राजा बोला जाता है, प्रधानमंत्री जी, वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो है लगातार अग्रसर हैं उसकी ओर, और हिंदू बता रहे हैं आपको, तो उसमें तो फायदा तो है ही ना आप लोगों का। आप अलग से धर्म कोड, अब एक एक जना ऐसे आ जाएगा तो धर्म कोड बनाने लग जाएगा? ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम हिंदू है ही नहीं, तो हमको हिंदू ही क्यों बनाया जा रहा है? हम प्राकृति पूजक है, ये दुनिया का जब से सृष्टि हुआ है तब से हम लोग का पूजा पद्धति अलग है, हम लोग प्रकृति को मानते हैं, हमारी धर्म संस्कृति अलग है, हमारी पूजा पद्धति अलग है, तो हम कैसे हिंदू हो सकते हैं? ये लोग हिंदू लोग है कि ये आकार प्रकार मूर्ति की ये पूजा करते हैं, और हम जो है संपूर्ण प्रकृति की पूजा करते हैं, जिससे पूरा दुनिया चलती है। इस दुनिया में जितने भी 84 लाख जीव जंतु हैं, सभी लोग जीवित रहते हैं, उस प्रकृति की हम पूजा करते हैं, तो हम हिंदू कैसे हो सकते हैं? तो अच्छा, आदिवासी जो मुख्य धारा में नहीं है क्या? मुख्य धारा में अभी नहीं है, जैसा देखा जाए इनकी मांगे वर्षों पुरानी, ये सरना कोट का मांग है, ये अभी तक सरकार ने हमको दी नहीं, पहले था लेकिन इसको हटा दिया गया और ये अभी तक नहीं दिया है, तो ऐसा तो हम नहीं मानेंगे। आदिवासियों का कहाँ विकास हो रहा है, सिर्फ बोला जाता है, हमारी धर्म संस्कृति से इतना बड़ा छेड़छानी हो रहा है, हमको सरना कोड नहीं दिया जा रहा है, अभी हम संरक्षित नहीं हैं, हमारी इतनी सारी मेहनत के बावजूद, हमारे जितने महान पुरुष हैं सभी ने बहुत बड़ी योगदान दी है इस देश की आज़ादी की लड़ाई में, लेकिन आदिवासियों के साथ अभी बहुत सारा हनन हो रहा है, ये तो सरकार पहल करती ही नहीं हो रहा है। अभी आपने कहा बहुत छेड़छाड़ भी की जा रही, बहुत छेड़छाड़ की जा रही है, हमारी माताएं बहनों के साथ बलात्कारी जैसी घटनाएं होती रहती हैं, अत्याचार होते रहते हैं, शोषण होते रहते हैं, और ये सरना कोट का भी मामला है कि हम लोग को दिया नहीं है। सभी जात धर्मों के लिए सबका अलग अलग कोलम है, वे कहीं भी जाते हैं नौकरी पेशा के लिए फॉर्म भरते हैं कहीं भी, तो उनका एक अलग कोलम दिया जाता है, लेकिन हम आदिवासियों का कोलम कहाँ है? ये फिर हनन ही न हो रहा है, सरना कोलम होना चाहिए, लेकिन ये तो कहीं की फॉर्म में हमारी ये जो धर्म पहचान का ये जो सरना कोलम होनी चाहिए वो नहीं है। अच्छा, आप लोग वोट तो मुझे लगता है सभी देते होंगे, हाँ वोट आप लोगों का मतलब चलता है, लेकिन आप लोगों को जो है मुख्य धारा में नहीं जोड़ा जाता है, वोट आप लोगों का ले लिया जाता है शायद, ऐसे मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, ऐसा बोला ही जाता है ना? वोट तो सब देते हैं, चुनाव होता है तो देते ही हैं, लेकिन जातिगत जनगणना जैसी चीज होती है क्या? होती थी, लेकिन अभी देख आप खुद जान रहे हैं तो हुआ नहीं है, 2011 में तो फिर उसके बाद तो हुआ नहीं है। अगर जातिगत जनगणना हो जाए और सरकार करा ले तो आखिर में क्या कुछ सच्चाई आएगी सामने? एक आंकड़ा तो सामने आएगा ना, कितने हैं क्या हैं, जनगणना के हिसाब से जब पशु पक्षी का जनगणना हो सकता है तो आदमी का, जनजातीय का, आदिवासियों का, यहाँ के सबका होना चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं, ST का हो, SC का हो, OBC का हो, और हम लोग को सरना कोड भी मिले। तो ये मतलब जातिगत जनगणना मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि भाई इससे पहले भी जो आया आदिवासियों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया था और जातिगत जनगणना से जुड़ा हुआ उन्होंने जो है मुद्दा उठाया था, क्योंकि उनको कभी भी जो है वोट तो उनका ले लिया जाता है, ऐसा उन लोगों ने कहा था खुद ही आदिवासियों ने कि उनका वोट तो ले लिया जाता है, लेकिन जब आधिकारिक बात आती है, संवैधानिक अधिकारों की बात आती है, तो हमें कहीं ना कहीं छिटक दिया जाता है। क्या वाकई में ऐसा है? सही कहा है जिन्होंने भी कहा है, ऐसा होता है और दिखता है। आप देखिए, 5वीं अनुसूची जो क्षेत्र में लागू होना चाहिए सख्ती से लागू नहीं हुआ है,
पेशा एक पंचायत एक्सटेंशन टू सिल्डोल एरिया के अनुसार चुनाव होता है, लेकिन वहाँ पास जो कार्य देखने को मिलता नहीं, इसीलिए आज जो आदिवासी अपना दर्द को बताते हैं, बयां करते हैं, तो सही है। अभी तक सरकार ने आदिवासियों के लिए क्या किया है, ये कुछ बता सकते हैं आप? क्योंकि इतना कुछ बोला जाता है कि आदिवासियों के लिए किया जा रहा है। आदिवासी को अभी तक भारत सरकार ने अभी तक आदिवासी को कुछ, अगर हम लोग आदिवासी लोग को अगर धर्म नहीं दिया जाता है, धर्म का कोड दिया नहीं जाता है, तो आदिवासी को क्या दिया है अभी तक? जो जिसका धर्म नहीं है उसका कुछ नहीं है, जो धर्म है तो उसका कर्म भी है, इसलिए धर्म दिया जाए, सरना कोड हमको लागू किया जाए आदिवासी लोग को, और हम लोग को सरना कोड चाहिए। सारा भारत में आदिवासी लोग 47 लाख करोड़ से जस्ती है, वो सरना कोड लागू करना चाहिए। हम लोग को हिंदू में घुसाना चाहता है, हम लोग हिंदू नहीं है, बिल्कुल हम लोग हिंदू नहीं है। हमारा पिताजी भी अगर गुजर जाता है तो हम लोग ब्राह्मण नहीं बुलाते हैं, हम लोग का खुद अपना हम लोग का पाहन होते हैं, हम लोग पाहन हम लोग को करते हैं, हम लोग पंडित नहीं बुलाते हैं। अगर हम शादी कर लेते हैं तो हम शादी में भी हम लोग पंडित को नहीं बुलाते हैं, हिंदू लोग पंडित बुलाते हैं, हम लोग पंडित नहीं बुलाते हैं, खुद हम लोग का पाहन करते हैं, तो हम लोग कैसे हिंदू हुआ, हम लोग कैसे हिंदू हुआ? आपको हिंदू रिवाजों में बांधा जा रहा है, जबरदस्त हिंदू कर रहा है, हम लोग कैसा हिंदू है? हम लोग हिंदू लोग का नीति नियम का मालूम है आप लोग को? हिंदू लोग ब्राह्मण बुलाते हैं, हम लोग ब्राह्मण बुलाते हैं, हम लोग कभी ब्राह्मण नहीं बुलाते हैं। किसी भी आदिवासी राज्य में, किसी के गाँव में घुस जाइए, हम लोग का आदिवासी लोग शादी हो, होकाम हो, जो भी हो, हम लोग नहीं बुलाते हैं, हम लोग खुद अपना करते हैं। हम लोग का अपना खुद भाषा है, हम लोग का खुद अपना आइडेंटिटी है, हम लोग का अपना खुद, हम लोग का परंपरा रीति रिवाज, हम लोग का जो प्राकृत से हम लोग जोड़ा हुआ है, हम लोग प्राकृत्य को मानते हैं, हम लोग कुछ हम लोग देव देवी को हम लोग नहीं मानते हैं, तो इसलिए हम लोग हिंदू नहीं है। हम लोग का सरना कोट लागू किया जाए और सरकार, भारत सरकार, हम लोग को सरना कोट देना होगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बिरसा उराव है, हम आसाम से बिलोंग करता हूँ। आसाम से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये जो जबरदस्ती जो हिंदू धर्म दिया जा रहा है, कभी ब्राह्मणों को जबरदस्ती के भैया EWS कोटा दे दिया जा रहा है, जबकि बोला जा रहा है आर्थिक आधार पर जो है, मतलब सब चीजें जबरदस्ती हो रही है। 3 कानून लाए जाते हैं, किसानों को दे दिया जाता है, वो जबरदस्ती होता है। CAA NRC लाया जाता है, वो जबरदस्ती होता है। आप लोगों को हिंदू बनाया जा रहा है, जबरदस्ती हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है क्या? आप लोगों को खुद मालूम है, हम एग्जाम्पल दे दिया है आपको अभी, हम लोग हिंदू नहीं है। आप लोग हिंदू का नीति नियम मालूम है आप लोग के? खुद हिंदू का नीति नियम मालूम है? बामून ने उन्हें से हिंदू बनाने पे आपको तुले क्यों हैं? हम लोग हिंदू नहीं है, बनाने पे तुले क्यों हैं? तो आप लोग क्यों भारत सरकार या पब्लिक हम लोग क्यों हिंदी बोलते हैं, वो लोग जाने, लेकिन हम लोग हिंदू नहीं है। हम लोग का एक्स्ट्रा हम लोग का सरना कोट चाहिए, हम लोग को सरना कोट देना होगा, क्योंकि हम लोग सरना के आदमी है, हम लोग प्राकृतिक के पूजा है, हम लोग आदिवासी है, हम लोग मूलवादी है, मूल वासी है। क्या ऐसा कुछ भी हो रहा है कि आपको जबरदस्ती इसलिए भी थोपा जा रहा है कि भैया पाखंडवाद, मैं ऐसा लोग बोलते हैं खुद ही कि पाखंडवाद को बढ़ावा देने के लिए, पंडितों को बढ़ावा देने के लिए, मतलब इस तरीके का एक रचा जा रहा है, स्वांग रचा जा रहा है? हम लोग किसी क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, हम किसी को खराब नहीं बोलेंगे, सब अपना अपना कम्युनिटी राइट है। हम लोग आदिवासी है, हम लोग को भी एक अधिकार है, हम लोग यहाँ का मूल वासी है भारत का, इसलिए हम लोग का जो सरना कोड है, हम लोग का धर्म है, वो धर्म का कोड हम लोग को चाहिए। पहले था, वो सरकार निकाल लिया, हिंदू में जोड़ दिया, तो हम लोग हिंदू नहीं है, सरकार समझिए और हम लोग का सरना कोड लागू कीजिए, और हम लोग का सरना कोड डिमांड है, सरना कोड हम लोग को चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुशांत दुरा जी। अच्छा, इन्होंने अभी बताया कि भाई हमें को सरना कोड चाहिए, हमको इस तरीके का चाहिए, सरकार हमें जबरदस्ती हिंदू बना रही है, रीति धर्म रिवाजों से बांध रही है। जो आदिवासी हैं, वो अधिकतर आदिवासी हिंदू धर्म को भी अपना चुके हैं, अब वो कर रहे हैं, तो मतलब हिंदू होने में क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहली बात तो हमारी ओर से आप सबको जोहार है आपके न्यूज़ चैनल से, और मैं बता दूं कि आज ये भाई नहीं कह रहे हैं, आज दस्तावेज कहता है, आज डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, पेपर्स कह रहे हैं कि आज जो हमारा आदिवासी जो है सरना पूजक, सरना धर्म के जो पूजक हैं, उन्हें अदर्स में शामिल करके आज उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इंडिविजुअली। आज एकमात्र कारण हो जा रहा है कि हमारे आदिवासी सरना धर्म वालम भी अलग अलग जो हमारे कॉलम मिले हैं उसमें बांट दिया जा रहा है लोगों को। मैं बता दूं कि आदिवासी लोग काफ़ी भोले भाले और सीधे साधे लोग होते हैं, उन्हें जो है बरगलाया जाता है, उन्हें गलत मार्गदर्शन दिया जाता है, जिसकी वजह से सही हमें आंकड़ा नहीं मिल पाती है। किन्हीं को हिंदू कह दिया जाता है, किन्हीं को क्रिश्चियन कह दी जाती है, किन्हीं को बौद्धिज्म, किन्हीं को अदर्स,
पता नहीं और फलाने फलाने बहुत सारी चीज कह दी जाती है, लेकिन हमारा इसलिए हमारा केंद्र सरकार से डिमांड है कि हमें सरना धर्म कोड एक हमारे लिए जनगणना के लिए कॉलम में हमें जगह होनी चाहिए, ताकि हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान, जो हमारे सही एक आंकड़ा जो होगी वो हमें मिल पाएगी। क्या आपके हक अधिकारों को बराबर दे रही है सरकार इस तरीके का? मतलब अभी लास्ट में जब आदिवासियों ने यहाँ पे किया था, हिमांशु जी लड़ रहे थे, उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया, 5 लाख का उनके ऊपर वो भी लगाया गया, आदिवासियों को मार ठूस के जेलों में भरा गया और उन्हें नक्सलवादी भी बताया जाता है, ऐसा कुछ भी जो है बताया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है मैडम, एक्चुअली बात यह है कि आदिवासी एक शुरुआत से ही अपने पूर्वज से ही सीख कर चला आया है कि वो उलगलान करना जानता है। आज आप हमारे सरना झंडा को आप देखेंगे, वो भी हमारा प्रतीक एक ही चीज बताता है, सफ़ेद और लाल रंग का जो झंडा है ना, वो बताता है कि हम कितने सफ़ेद हैं, बिल्कुल हम सादा पेपर के जैसे हैं। और जो लाल रंग का जो आप चिन्ह देखते हैं ना उसमें, वो लाल रंग हमारे जो अभिभावक, जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी कुर्बानियाँ, उनकी बलिदानियाँ, आज वो हमारे लिए, हमारे सरना धर्म के लिए शहीद हो गए हैं, उनके याद में आज हमारे इस झंडा को लाल रंग से दिया गया है। तो मैं बता दूं, लगातार आदिवासी समाज सरना धर्मावलंबी जो है लगातार अपने उलगलान में जारी रहते हैं और अपने हक अधिकार को बात को रखते हैं और वो अपने पारंपरिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन आज देखिए, असामाजिक तत्वों के द्वारा आज हम आदिवासियों को, सरना धर्मावलंबियों को आज हमें उग्रवादी कह दिया जाता है। ये सारे लोगों के द्वारा नहीं कही जाती है, कुछ अन जो हमारे जो असामाजिक तत्व हैं उनके द्वारा कही जाती है। अच्छा, अभी ये बताइए कि आप ये इस कोर्ट की, धर्म कोर्ट की जो मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, उसका कोई पत्र दिया है आपने किसी को? बिल्कुल, आज हम झारखंड राज्य से बिलोंग करते हैं, हमारे भाई लोग ओडिशा, बंगाल, छत्तीसगढ़, नेपाल, भूटान से भी चल करके आए हैं। आज सारे राज्यों में इसकी चर्चा चल रही है, झारखंड सरकार ने भी इस चीज़ को, सरना कोड को जो है पारित कर आज केंद्र सरकार के पास भेजा रखा है। आज केंद्र सरकार काफ़ी 19 दिनों से हमारा 11 नवंबर को ही जो है लास्ट ईयर हमारा पारित करके केंद्र सरकार को दे रखा है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार सोई बैठी है, आंख मिचौली खेल खेल रही है। अभी तक अगर वो आदिवासियों के हित में सोचे होते, हक अधिकार की बात अगर वो करते हैं, तो आज निश्चित तौर पर आज उन्हें सरना, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बना दिया, आदिवासी समाज से आती है, फॉर्मेलिटी है साहब। एक्चुअली एक कथनी और करनी में अंतर होता है ना, आप हवा हवाई बात तो करते हो लेकिन जमीनी स्तर पर काम ही नहीं कर रहे हो। अगर आज आप राष्ट्रपति बना दिए हमारे आदिवासी को, तो आप डॉक्यूमेंट्री सिस्टम पे, आप पेपर दस्तावेज पे, आप हमें अपने हक का अधिकार क्यों नहीं दर्जा दे रहे हो? आप हमें सरना कोड दे दो। आज 11 नवंबर लास्ट ईयर से हमारा सरना कोड पारित करके आज केंद्र सरकार के पास पड़ा है, आखिर नजर क्यों नहीं आ रहा है भाई? आना चाहिए, आज वही हमारा डिमांड है कि आज हमारे केंद्र सरकार कहाँ सोई गए? बिल्कुल, और ये सरना कोड जब तक हमें नहीं मिलेगा, हमारा सही आंकड़ा नहीं मिल पाएगा, लोग हिंदू कहेंगे, लोग मुस्लिम कहेंगे, लोग ईसाई कहेंगे, और वो जाना जाने कई सारे समाज में हम अदर्स में बांट दिए जाते हैं। अगर एक हमें सही आंकड़ा अगर मिलता है, तो आज आप देखेंगे कि आज हमारे भारत में, पूरे देश में जो है आज आदिवासियों की पूरी टोटल 3rd most population गिनी जाती है। पहले में आप हिंदू देखेंगे, हिंदू के बाद मुस्लिम्स आती है, मुस्लिम के बाद क्रिश्चियनिटी, 4th नंबर पर हमारे आदिवासी आती है, जो सरना धर्मावलंबी लोग हैं। तो इसे छिपाया जा रहा है। तो सरकार, आपको लगता है सरकार मानेगी आपकी बातें? आज तक इस दुनिया में वैसा कुछ हुआ नहीं, जो डिजर्विंग है उसे मिला है, और हम आदिवासियों को हमारा हक मिलेगा, हमारा धर्म कॉलम मिलेगा। नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? ये आज इस दुनिया में वो ऐसा कोई चीज ही नहीं है जो असंभव है, और जो मानव अधिकार की चीज है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो उनके देने ना देने से नहीं, वो हम उनसे छीन लिए जाएंगे। वो हमारा अधिकार, वो हमारा हक अधिकार है। हमारा छीनने का मतलब ये है कि हम लगातार उलगलान करते रहेंगे। हमारे डिमांड्स होगी सरकार से कि उनका आंख जहां बंद है, वो लगातार हमारी आंखों की तरफ में उन्हें नजर पड़े, ताकि हमारा जो अधिकार है उसे समझ में आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, ये आदिवासी समाज से सभी लोग आते हैं और अलग अलग राज्यों से आए हैं, झारखंड से आए हैं, कोई बंगाल से, कोई नेपाल, कोई असम से, तो अलग अलग राज्यों से ये लोग मांग डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें सरना धर्म चाहिए, हमारा कॉलम होना चाहिए, और लगातार यहाँ पर अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। सोचिए, जो सरकार है वो लगातार ऐसे लोगों को हिंदू बनाने में लगी हुई है, जो हिंदू नहीं है, जो आदिवासी समाज है, जो मूल निवासी है इस भारत का, उसको हिंदू बनाने में लगी हुई है। आखिर क्यों, और इसके पीछे क्या कुछ है? क्या वाकई में पाखंड को बढ़ावा देने के लिए क्या इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या इन लोगों को वोट के लिए, वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये सबसे बड़ी बात है सोचने के लिए, और आप भी सोचिए। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।